हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मिनी। और आज हमारे साथ जो हैं, एक्चुअली मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आप खुद ही उनके मुंह से सुन लेना। टीवी से लेकर सिल्वर स्क्रीन में अपने हुनर का परचम लहरा चुकी एकता बीपी सिंह। जी हाँ, आज वो हमारे साथ हैं और वो बताएंगी अपनी जुबानी अपनी ही कहानी। सो एकता, वेलकम टू लहरे। थैंक यू। हाउ आर यू? वैसे आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। तो एकता, सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे कि लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आप कैसे आई टीवी इंडस्ट्री में। जी, मैं बता दूं कि मैं 84 से थिएटर कर रही हूं और मेरी जो एजुकेशन है वो मैं एम.ए. पीएचडी हूं लिटरेचर में। ड्रामा मेरा पैशन रहा है, मैं लिखती भी हूं, कविता भी लिख लेती हूँ और कहानी भी लिखती हूँ। थिएटर करते करते एक ऐसा टाइम आया कि मुझे ऑफ़र आई एक सीरियल के लिए। मैं चंडीगढ़ में कर रही थी तब थिएटर, और मैंने जॉब भी की है, लेक्चरशिप भी की है। मैं लेक्चर रही हूँ चंडीगढ़ कॉलेज में ही। तो एक पंजाबी सीरियल की ऑफ़र आई तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने पंजाबी रीजनल फिल्म्स भी की थी जॉब करते, और ये अपना लिटरेरी सर्कल, थिएट्रिकल सर्कल, ये लेक्चरशिप, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी मैं चंडीगढ़ में इन सब के बीच में। और सडनली एक मोड ऐसा आता है कि शादी हो जाती है। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, तो शादी के बाद वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, क्योंकि वो ये लॉजिक देते हैं मुझे कि जो बॉम्बे का वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली पंजाब। तो ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी, ट्रांसफ़र लेके हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आई हूँ, इसका टोटली जो क्रेडिट है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। जी, अब बात करेंगे वो टॉम बॉय वाला, मतलब क्या ऐसा ये था कि भाई अब तो मुझे लाइक लड़कों की तरह रहना है, अब मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही बोलूँगी? वो ऐसा था, हम लोग 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। भाई मेरे छोटे हैं, मैं सबसे बहनों में मैं छोटी हूँ। तो होता क्या था, घर में जब भी कोई काम होता था ना, मैं बहुत छोटी उम्र में साइकिल चलाना मैंने सीख लिया था, बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में। तो वो होता है, फिर घर में क्या होता है, अब साइकिल आता है इसे, राइट, अच्छा एक काम कर, साइकिल लेके जा, वो काम करके वो काम 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 करते करते ना पता ही नहीं चला कब वो सारी फितरत, सारा चाल ढाल वो लड़कों वाला हो गया। तो मैं एमफिल कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो एक बार मेरा क्लासमेट मेरे एक दूसरे दोस्त को बोलता है, यार इसमें कोई लड़कियों वाली बात है? वो लोग मुझे कहते थे थोड़ी सी नज़ाकत रखा करना लड़कियों वाली, तुम लड़की हो। अच्छा हाँ यार, हाँ अक्ल रखूँगी, ठीक है। यही रहता था। तो वो कहीं ना कहीं घर से ही मुझे टॉम बॉय का जो है ना अंश, वो घर से ही मिला। जी, तो कभी आपके फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोलते थे, अरे यार चल वो लड़की को देखते हैं, लाइक लड़कों में होता है कि यार वो लड़की पटानी है, ऐसा कुछ करना है? तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं देन आपको बोला चलना चलना तू भी चल, लाइक वैसा वाला कुछ, लाइक इफ यू मतलब दैट टाइम यू आर टॉम बॉय? इसलिए मेरा ऐसे, मैं ये जो टैब्लोस निकलती है ना दिल्ली 26 जनवरी पे, तो मुझे एक बार मौका मिला उसमें पार्टिसिपेट करने का, फूल वालों की सैर। तो हमने वो पार्टिसिपेट किया, वहाँ बहुत ही आर्मी के अंडर हमें हम होते हैं और एक महीना वहाँ पे हम टिकते हैं। तो मेरा सारा ग्रुप था, चंडीगढ़ थिएटर का ग्रुप था सारा, और वो वहाँ पे क्या था, किसी ना किसी को कोई ना कोई लड़की पसंद आ ही जाती है, और मैं बड़ी सपोर्टिव रहती हुई इन मसलों में। अच्छा, लड़की को निकाल के लाना है, ठीक है ठीक है, मैं निकाल के लाती हूँ। तो मैंने पटापटू के सर को बातचीत में मैं थोड़ा कर लेती हूँ, इमोशनली एक्सप्लॉइट इजीली कर लेती हूँ। तो बातचीत में मैं पटापटू के उनको ले आती थी। तो सब, अब मैं वहाँ रिसेप्शन पे बैठी होती थी, चेक कर रही होती थी कोई आ तो नहीं रहा ना इनका, मतलब वॉचमैन टाइप्स ना, सिक्योरिटी। तो वो सब अपना फ्रेंड्स बातें चीतें कर रहे होते थे। सडनली एक बार मेरा एक फ्रेंड आया, मुझे कहता वो लड़का है ना असम का, वो तुम्हें बहुत पसंद कर रहा है, वो कहता था मेरी बात करवा दो। हार्ट यार, मैंने कहा तुम लोग इतने खूबसूरत दोस्त हो, मुझे बाहर से क्या ज़रूरत है? अगर कोई चाहता भी था ना तो भी मुझे लगता है छोड़ो ना यार, तुम लोग हो ना, मुझे क्या ज़रूरत है बाहर से, तो मैं ऐसे अवॉइड कर देती थी। खैर, ये तो मजाक मस्ती का एक पार्ट था, बट अगर हम आपके स्ट्रगलिंग लाइफ की बात करें तो कितना मुश्किल था उस दौर में अपने आप में एक मुकाम बनाना, अपनी जगह बनाना, अपनी पहचान बनाना? उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते थे, मतलब? और एक्टिंग का जब आपने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, बाहर जाना है, तो क्या नज़रिया था उनका? बताने की नौबत नहीं आई, बस क्योंकि मैं फोक डांस में भी रही हूँ अच्छी, तो दो मेरे लेक्चरर्स में झगड़ा हो गया। वो कहते हैं हमने डांस में लेना, वो कहते हैं हमने प्ले में लेना, हमें इसकी हाइट वाइट आवाज़ सूट कर रही है उस कैरेक्टर के लिए। तो जाके बस इन्फॉर्म कर दिया कि मैं प्ले कर रही हूँ, बस। वो परमिशन लेने की नौबत नहीं आई और ना ही मुझे कभी ऐसा परमिशन लेना पड़ा कि मैंने वो काम करना है, मैंने वो काम करना है। उनको एक तसल्ली थी कि जो करती है डंकी की चोट पे करती है और झूठ नहीं बोलती है। जी अच्छा, अब हम बात करेंगे आपकी अभी जो सीरियल है शक्ति अस्तित्व के एहसास की, उसके बारे में। आपका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बोल्ड है, लाइक आप एक टाइम पे आप कॉमेडियन का कैरेक्टर कर लोगे, आप विलन का कैरेक्टर कर लोगे, बट मतलब आप ऐसे कैरेक्टर का आप अभी रोल प्ले कर रहे हो लाइक जो वो आदमी सोच भी नहीं सकता। आप एक किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो कितनी मुश्किल होती है इस कैरेक्टर को प्ले करना? और इसको प्ले करने से पहले क्या आपने लाइक होते हैं ना कि अगर आपको उसको प्ले करना है तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है, तो आपने कभी कुछ ऐसा वर्कशॉप किया? मैं जब शूट कर रही थी तो किन्नर्स जब आए तो मुझे ना उनकी ताली बजानी आती है। मैंने 86 में एक किताब पढ़ी थी हिजड़ों का संसार, 86 में। तो उस वक्त इनकी तालियों का मतलब, हाफ ताली का मतलब, पूरी ताली का मतलब, इनकी ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें मेरे जहन में हैं आज भी। और ताली का मुझे कैसे कंफर्म हुआ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, थिएटर तो मैं कर ही रही थी। तो मेरे घर से मेरी बहन के ना बेटा हुआ था, मैं गेट से पंजाब गई हुई थी, एंटर की और मैंने ताली मार के उनकी आवाज़ निकाल के किया जैसे वो करते हैं, हाय हाय लाइक दैट ना। मैं अंदर आई, मेरी बहन डर गई, मैंने कहा क्या हो गया? कहती वो आ गई। मैंने कहा वो नहीं थे, मैं थी। तब मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ, इसको पता ही नहीं चला कि मैं थी या किन्नर थे, है ना। तो तब मुझे लग गया। तो यहाँ जब मैं शूट कर रही थी तो वो किन्नर्स आए, तो अब मेरा शॉट आया तो मैंने ताली मारी जब, तो बाद में मुझे कहते एक दूसरे को बोल रहे थे देखो देखो ताली की भी कितनी ट्रेनिंग दी है इनको। तो मैंने उनको बताया ताली मुझे 86 में आ गई थी बजानी। सो दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है ऑनेस्टली कि मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई इसे करने के लिए। तब जैसे होता है ना कि आप जिस जैसे कैरेक्टर करते हो लोग आपको उसी नाम से जानते हैं, उसी नाम से आपको बुलाते हैं, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो तो मतलब उस नाम से आपको किसी ने लाइक बुला दिया या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसा है, तो उससे कभी इफ़ेक्ट होता है आपको? मेरे बेटे को उसके बस में लोगों ने कहा कि इसकी मम्मा सच में किन्नर है, तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मम्मा उसने ऐसे कहा था, इसकी मम्मा सचमुच किन्नर है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपके मम्मा इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग उन्हें किन्नर समझते हैं। डोंट बॉदर इट। सो अच्छा लगता है। एकता जी थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना टाइम निकाला और हमसे इतनी सारी बातें शेयर की। मे बी शायद आपको भी ये सारी बातें नहीं पता होंगी जो एकता जी ने बताई। माय प्लेजर। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा और मैं ये लहरें नेटवर्क के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शाला खूब तरक्की करे, आप लोगों को खूब बरकत दे। थैंक यू सो मच। आपको एकता सिंह का इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया होगा, दैट वी नो। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपके फेवरेट स्टार से मिलाएं, तो आप अपने फेवरेट स्टार का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, लाइक तो आप कर रहे होंगे और कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब के हम क्या बोले वो भी आप कर रहे होंगे। So, bye-bye. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।